दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी के दिन या सॉरी 25 जनवरी के दिन एक ऑनलाइन वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए घोषणा किया गया था, जो कि एक फरवरी से KYC फैसिलिटी अवेलेबल करने की घोषणा हमने पोर्टल में रजिस्टर करके डाउनलोड करने की कोशिश भी किया था, लेकिन एक फरवरी से जो KYC का प्रोसेस इसमें चालू करने की दिखाया गया था, लेकिन आज तक इसमें अभी तक KYC की सुविधा अभी तक लाइव नहीं कर दी गई है। और किस तरीका से इसमें, मतलब एक तरह से चौंचला कहना चाहिए, जो आम नागरिकों को परेशान करने के लिए पहले तो सुविधा की घोषणा करते हैं, उसके बाद उसको पूरा नहीं करते हैं, और क्या क्या इसमें शर्तें हैं ऊपर से बढ़ाते जा रहे हैं, उसके लिए इस वीडियो में देखते हैं। जैसे कि मैंने 1 फरवरी को, चलो मैं सोचा सर्वर की इशू की वजह से कुछ होगा करके, 2 फरवरी तक इंतज़ार किया, 3 तक इंतज़ार किया, ऐसे करते करते आज तक इंतज़ार किया, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं कर दिया गया। जो अपडेट है उसको 1 तारीख को ही इसमें दे दिया गया था, लेकिन उसको अपडेट करने की इसमें मैं सोच रहा था अपडेट करेगा करके, लेकिन अभी तक उसको अपडेट नहीं किया। और YouTube में आप सभी देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बताया जा रहा है कि वोटर आईडी अब डाउनलोड करने के लिए यो करे वो करे, दुनिया भर की चौंचला वाला। लेकिन जो अपना जो निर्वाचन आयोग है वो इस चीज़ को अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया है कि ई कार्ड डाउनलोड किस तरीके से करेंगे। मतलब डाउनलोड करने को प्रोसेस दे दिया है, लेकिन अभी तक डाउनलोड हो नहीं रहा है, ठीक है। और जो हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में रजिस्ट्रेशन करके भी सारा चीज़ देख लिया है, लेकिन इस वीडियो में उसको डाउनलोड करने के फिर से एक बार ट्राई करते हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से आप आम नागरिकों को धोखे में रखा जा रहा है, ठीक है। आप सभी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं अपना आईडी को उस दिन क्रिएट किया था, उसको मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे जो इसका साइट को भी पहले की अपेक्षा इसमें अपडेट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्विसेज हैं उसके बारे में आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे मेन फोकस करेंगे एपिक कार्ड डाउनलोड करने के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं NVSP.in की साइट में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर अपने को, जैसे कि मेरा एपिक नंबर पता है मेरे को, तो इसको कर लेता हूँ सीधा, आपको पता नहीं है तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो इसको छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करके इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देखने को एक यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं करेंटली एपिक कार्ड फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द इलेक्टर्स न्यूली रजिस्टर्ड आफ्टर नवंबर 2020 ड्यूरिंग SSR 2021 ओनली, ठीक है। मतलब कहने को इसमें कहा जा रहा है कि जो नया रजिस्ट्रेशन किए हैं, मतलब नए मतदाता हैं नवंबर 2020 के बाद, इस सीजन के लिए जो नवंबर 2020 के बाद जिसका नया मतदाता रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनका ही अभी डाउनलोड करने का सुविधा यहां पे दिया गया है, ठीक है। और जो नया, जैसे EKYC वाला प्रोसेस था, उसको यहाँ पे कम्प्लीटली हटा दिया गया है। मतलब पुराने जो मतदाता हैं उसको किसी तरीके से सुविधा नहीं मिलेगी, जो नए मतदाता हैं जो कि नवंबर 2020 के बाद जिसका वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराए हैं या फिर रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनका ही EPIC कार्ड डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिखाई दे दिया है। तो निर्वाचन आयोग ने जो सुविधा दिया है उसको तो बंद कर दिया कहने चाहिए, अब कब इसको जारी करेगा इसके बारे में कुछ कह नहीं जा सकता। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद।